अज जिहड़ा फैसला लिया गया कि 1 तरीक नूं सरकार इजाजत देवे ना देवे असी स्कूल खोल देने ने हर हालत दे विच, क्योंकि बच्चों का पिछले समय के बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका पढ़ाई का, ऑनलाइन मोबाइलों से उन्होंने अखां खराब हो चुकिया ने। तो हुण 1 तरीक नूं सरकार इजाजत दिंदी है तां भी ठीक है, नहीं दिंदी तां भी असी 1 तरीक नूं हर हाल दे विच स्कूल खोलने ही खोलने ने। कोई गल नहीं, असी कहोवांगे इस ना इस वक्त साढ़े नाल पेरेंट्स बहुत साथ दे रहे हैं, वो कहिंदे तुसीं संघर्ष करो असी तुहाडे नाल हाँ। सो सारे पेरेंट्स साढ़े नाल ने, क्योंकि आपके बच्चों के भविख में लैके सारे पेरेंट्स चिंतित ने, असी सारे किसान जथेबंदियां भी साढ़े नाल ने, हर एक वर्ग साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, क्योंकि सिक्ख्या जिहड़ी सब तो अहम चीज़ होंदी है इंसान की जिंदगी दे विच। सो सारियां जथेबंदियां दा सारे पेरेंट दा सानू बहुत ज़्यादा साथ है। सो कुछ भी हो जाए 1 तरीक नूं हर हाल दे विच असी स्कूल खोलने ही खोलने ने। अज दड़बे इलाके के बख बख स्कूलों का बहुत बड़ा एक रोस मार्च है, एक रोस रैली है, क्योंकि सरकार ने बड़े बुरे ढंग नाल हुण दोबारा फिर स्कूलों को बंद किया, उसके रोस वजो सारे मतलब दड़बे इलाके के स्कूल ने जिहड़े एक बड़ा रोस मार्च कर रहे हैं। ये रोस मार्च अनाज मंडी दड़बा तो गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब, उस तो बाद दड़बा पिंड की अंदरली गली हुंदा होया दोबारा लिंक रोड दड़बा ते आके चौंक दे विच जाके असीं दोबारा रोस मुजहरा करके इस अपनी रोस रैली नूं समाप्त कर देंगे। मुख मंगा कि सरकार जल्दी तो जल्दी मतलब स्कूल खोले, स्कूलों को इस तरह बंद ना करे, क्योंकि बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक पहले ही बहुत लंबा संताप इस लोक लॉकडाउन का भोग चुके हैं। इसलिए साड़ी डिमांड एको ही है सरकार तो कि स्कूलों हुण इस ढंग नाल बंद ना किया जाए, सरकार जल्दी तो जल्दी स्कूल खोले। सर अज का साढ़े पूरे प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन है, साड़ी इको ही यह डिमांड है भी इन्हों स्कूलों प्लीज़ हुण सरकार है जिहड़ियां अपनियां राजनीतिक चालां ने जिहड़ियां मासूम बच्चों के उपर ना जाहिर करन, क्योंकि बहुत खिलवाड़ है जिहड़ा साडी जिंदगी दे नाल आलरेडी सरकार कर चुकी है, पर इन्हां मासूमां नूं बख्श दो। इन्हां बच्चों की मानसिकता जिहड़ी रोज़ बिगड़ती जा रही है, तां कि असीं बच्चों नूं पढ़ा सकीए, ये स्कूल ने जिहड़े बंद ना करन। कृपा करके जिहड़ियां राजनीतिक चालां इन्हां ने चलणियां ने, वो किसान अंदोलन नूं फेल करके चल रहे हैं, ये भी शायद असीं फेल कर देंगे, पर इहो जिहे मनसूबियां दे विच सरकार कदे भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इत्थे साडे कल्ले प्राइवेट स्कूल दे बच्चे ही नहीं, अध्यापकां दे नाल नाल तुहाडे सामने तुसीं देख सकते हो सारे पेरेंट्स भी खड़े ने, तां पेरेंट्स दा सहयोग वो भी कह रहे हैं भी साढ़े जिहड़े बच्चे ने उन्होंने स्कूलों के प्लीज़ पढ़न देवे सरकार इस गल ध्यान देवे। जिहड़े साडे मुख्यमंत्री नूं भी साडी इक बेनती है कि हिमाचल दीआं पहाड़ियों चों निकल के पंजाब दा हाल चाल देख सकण कि किस तरह पंजाब दे जिहड़े प्राइवेट विद्यार्थी ने अध्यापक ने वो किस तरह सड़कों के उपर अज उतरे ने, पूरे दड़बे दे विच अज साडा जिहड़ा रोस प्रदर्शन वो किया जा रहा जी। साडा जी फिर वड्डे तौर पर कहिंदे ने संघर्ष है जिहड़ा वो पूरियां जिहड़ियां साडा पूरा संगरूर जिले के स्कूल होणगे जिन्ने भी प्राइवेट स्कूल सी इहनू वड्डे पद्धर दे उपर इक रैली ते रोस प्रदर्शन दे वजों लै के जावांगे, जिथे जिहड़ा साडी जिहड़ी कमेटी है बनी हुई उस कमेटी का जो भी फैसला होगा उस दे अनुसार ही जिहड़ा रोस है फिर सरकार नूं बहुत महंगा पऊगा। उस तो बेस्ट है सरकार 31 तरीक तक फैसला लै लवे तां कि स्कूल ने जिहड़े खोले जा सकन ते असीं बच्चों नूं पढ़ा सके। ये बड़ा मैं तो इहनूं बड़ा मंदभागा समझूंगी कि साढ़े पढ़े लिखे नौजवानों नूं प्राइवेट अथॉरिटीज़ नूं स्कूल्स नूं रोस प्रदर्शन करना पै रहा, उस गल लई जिथे कि टीचर्स नेशन बिल्डर्स ने और बच्चों इस टाइम स्कूल्स के आना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 साल तो बच्चे घर बैठे ने, घर च बैठ के बच्चों इन्ना अनुशासन नहीं सिखाया जा सकता। मन लो जे करोना है भी तो जिन्ना टीचर्स उन्होंने प्रीकॉशनस दस सकते हैं तो घर के बच्चों नहीं, बच्चे हुल्लड़बाजी करते हैं, बच्चे जिमें पेरेंट्स दसते हैं कि घर तो जी बच्चे सोचते हैं कि छुट्टियां हो गई, वो कहते जिद करते हैं क्राउड च खेलते हैं जाते हैं फिर बाहर स्कूल च बच्चों विद प्रीकॉशनस ऑड एंड ईवन करके भी बुलाया जा सकता, अनुशासन रेगुलैरिटी उन्हों का फ्यूचर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी नहीं हो सकती, बच्चों नहीं समझ आती जो कलैरिटी जो आस्पैक्ट्स बच्चों टीचर स्कूल्स के क्लासिज लगा के या छोटे बच्चों ब्लैकबोर्ड पर कर सकते हैं वो ऑनलाइन छोटे बच्चे का बिल्कुल नहीं समझते, तो वे बच्चे भी एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। दीप कौर जी असं 8th च पढ़ते हैं, दूर दूर बंदारे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं।
ਧੁੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਖਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਘਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ।